कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया। और मतलब इस चैप्टर की इतनी ज्यादा डिमांड थी, मैं लिटरली तुमको क्या बताऊं, मैसेजेस भरे पड़े थे इंस्टाग्राम के ऊपर, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था, मेल भरा पड़ा था, पढ़ने का हेल्प सेक्शन ऐप के अंदर वो भरा पड़ा था कि भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो फाइनली आज तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ चुका है। तुम पता नहीं इस चैप्टर से इतना क्यों डरते हो यार, मे बी तुमको बहुत तो डर लग गया इस चैप्टर का, या तो तुमने बुक से पढ़ लिया है या फिर तुमने कोई ऐसी जगह से पढ़ लिया जहां पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चैप्टर को पढ़ाया गया है। आज हम लोग बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में एक एक चीज को इतनी प्यारी तरीके से एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि आप इस चैप्टर को कभी भूलोगे नहीं, आपको मजा सा आ जाएगा। अरे वाह भैया, ये तो बढ़िया चैप्टर है, आपका ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, हम इस कदर इस चैप्टर को आज पढ़ने का ट्राई करेंगे। एंड ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, मतलब लिटरली बताऊं तो कार्बन से छोटा चैप्टर है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस कार्बन सबसे बहुत छोटा चैप्टर है, मजा बहुत आएगा तुमको लेकिन पढ़ने में, बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यार, अगर आपने अभी तक पढ़ले की एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, जितना भी कंटेंट है पढ़ले का, जितना भी आपके जितना भी कंटेंट है, नोट्स हो गए, आपके टेस्ट्स हो गए, ईबुक्स हो गए, वो सारी चीजें पढ़ले की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, आप जब इसको एक बार इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपको सारी चीज उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है भैया, प्रमोशन कर रहे हो। अब देखो यार, जब कोई अच्छी चीज होती है तो उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, जिससे किसी का फायदा हो रहा है वो चीज भाई वो बतानी चाहिए और लोगों को। इनफैक्ट मैं तो तुमको ही बोलूंगा कि यार तुम लोगों को बताओ कि पढ़ले की एप्लीकेशन पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, इससे किसी का भला हो रहा है, फायदा हो रहा है, भाई वो चीज तो प्रमोट करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल नहीं होते हम, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑफलाइन लेक्चर, मतलब आप यहाँ पर लेक्चर्स को ऑफलाइन कर सकते हो। ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ना, एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, वहां पर आपको एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, एड्स वगैरह नहीं आती है। इस चैप्टर के नोट्स, टेस्ट, ईबुक सब चीजें ऐप के अंदर अवेलेबल है। 20 सीरीज का ही एक कोर्स बना हुआ है वहां पर, तो वो जाकर पूरा एक्सेस कर सकते हो, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सारा कंटेंट आपको ऐप पर मिल जाएगा। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखो मैं तुमको कुछ बड़ी ही सरल सरल चीजें बताता हूं। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का बेसिस क्या है, है ना, मतलब इस चैप्टर का बेस है क्या, हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो तुम सोचो, खुद सोचो यार, तुमने देखा होगा कि तुम्हारी बॉडी जो भी काम करती है, जिस भी मतलब जो भी काम करती है, सारी चीजें जो हमारी बॉडी करती है वो बहुत ही कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में करती है, राइट। मतलब तुम खुद इमेजिन करो, खुद सोचो, तुमने कभी यार, तुम जब चलते हो, जब तुम चलते हो तो तुमको पता है कि अपने आप तुम्हारा लेफ्ट हैंड और राइट लेग है ना, अपने आप जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड और तुम्हारा राइट लेग है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि तुम लेफ्ट हैंड और राइट, मतलब लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड के साथ चल रहे हो ऐसे ऐसे, नहीं, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में हमारी बॉडी काम करती है। तुम खुद सोचो, जब तुम खाना खाते हो वो खाना, भाई हमारी बॉडी को पता है कि खाना आने के बाद में उसको पचाना है, फिर उसके बाद में उसको उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, उसके बाद उससे एनर्जी निकाली जाएगी और जो बचा कुचा खाना है जो काम का नहीं है वो एक्सक्रीशन, मतलब वो बाहर निकल जाएगा हमारी बॉडी से, राइट। तो ये सब बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता है। ऐसा नहीं है कि खाना खाने से पहले ही यहां पर एनर्जी निकल गई या फिर खाना आने से पहले यहां पर डाइजेशन हो गया, नहीं, सब बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड मैनर में चलता है। सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर नहीं, प्लांट्स के अंदर भी ऐसी होता है, प्लांट्स के अंदर भी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आपके प्लांट्स, सबकी बॉडी ऐसी ही काम करती है। ठीक है, सभी बिल्कुल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। जैसे कि मान लो कि भाई मैं चल रहा हूं, सामने एक कैंडल रखी हुई है और गलती से मेरा हाथ कैंडल पर पड़ गया, तो क्या मैं 10 सेकंड तक वेट करता हूं, अरे वाह गरम गरम लग रहा है, आई एम फीलिंग सो हॉट, वाओ, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, हम फटाक से हाथ को हटा लेते हैं, है कि नहीं, हम फटाक से हाथ को हटा लेते हैं। तो ये क्यों हटा लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही क्विकली चीजों को रिस्पॉन्स करती है, उसको पता है कि भाई हाथ अगर रखे रहूंगा ज्यादा देर तक तो हाथ जल जाएगा, इट इज डेंजरस। तो जैसे ही हमारा हाथ आग के ऊपर गया, उस कैंडल के ऊपर गया, वहां पर हमारी स्किन को फील होने लगा कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, वहां से उसने अपना सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, ब्रेन ने बोला डेंजर है हाथ हटा लो, तो हमारा हाथ हट जाता है। और ये सब सोचो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होता है, तुमको जैसे ही गर्म लगता है तुम हाथ हटाते हो, ये सारी चीजें कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होती है, कितनी जल्दी जल्दी होती है, राइट। जैसे कि मान लो कि अब तुम खुद ही देख लो, सड़क पे एक कुत्ता है, ठीक है, सड़क पे एक कुत्ता, एक डॉग है, ठीक है। अब जनरली होता है कि वो गाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, या फिर जैसे ही उनको गाड़ी देती है वो वैसे ही गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि गाड़ी 10 किलोमीटर आगे चली गई और फिर उसके बाद डॉग्स भागना स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हमारी बॉडी बहुत ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है, हमारा दिमाग, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स सब बिल्कुल साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है, ग्रेट।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेसिस हमने समझ लिया चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है हम लोग वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज हमको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमारी बॉडी के, ओके। उसके बाद हमको पढ़ना है मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और वो सब, नर्व्स वगैरह, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर एक बहुत ही सरल सिंपल भाषा में तुमको समझाऊं तो नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप लोग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, कोई भी चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब होता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि वही गर्म लग गया तो एकदम से हमने हाथ हटा लिया, ठंड लग रही है एकदम से तो हमारी बॉडी के अंदर तुमने देखा होगा कि हमें बहुत ठंड लगती है तो हम क्या करेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बहुत ठंडा ठंडा लग गया हाथ को, हाथ हटा लिया। अगर किसी बिल्ली ने किसी चूहे को देखा एकदम से उसके पीछे भागेगी, तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं जिनको हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ये तो हम पढ़ ही लेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स भी भैया जीवित है, ठीक है, तो उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता होगा, तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि उनके अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि उनके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो है नहीं, ठीक है, तो उनके अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है ये भी हम लोग देखने वाले, ठीक है। ये सब वही बात है जो मैंने आपको अभी तुमको बताई थी टेक्स्ट के फॉर्मेट में, कि भैया हमारी बॉडी जो है वो एक साथ काम, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ काम करेंगे और जो भी चेंज हुआ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, वेरी गुड, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अब तुम सोचो कि सामने वाला तुमसे बात कर रहा है, वो अलग बात है कि तुमको उसे इग्नोर करना है, पर तुमको पता है कि तुमको रिस्पॉन्स करना है उसको, राइट, तुमको उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर तुमको इग्नोर करना है तो बात अलग है, अगर बहुत चाट रहा हो तो, पर फिर भी मतलब रिस्पॉन्स तो दोगे ना, ठीक है। ये देखो जैसे कि भैया ये बिल्ली है, शांत बैठी हुई थी बिल्कुल, लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पर चूहा दिखा, ये रहा चूहा, मैंने पहले मार्क्स कर रखे थे, जैसे उसको चूहा दिखा वो एकदम से उठ गई, देखो, राइट। तो ये सब इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं जिसको हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ओके। तो यहां पर हम लोग आज अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन किन किन टाइप्स के होते हैं। हम लोग मेनली दो टाइप पढ़ने वाले हैं, मैं तुमको क्विकली समझा देता हूं। पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो अपने जो एनिमल्स होते हैं या फिर हम ह्यूमंस की बात कर लो, इनमें हम लोग देखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। सिंपल सी बात है, नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, यहां पर आपकी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स की जरूरत पड़ेगी, राइट, ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद में नर्व्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गया जो कि हम लोग ह्यूमंस के अंदर देखेंगे, राइट। दूसरा होता है हार्मोनल, हार्मोनल ऑफ कोर्स ह्यूमंस के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये मेनली हो रहा होता है, ठीक है, एनिमल्स हो गया और प्लांट्स हो गए अपने, ठीक है। तो हार्मोनल जो अपना कोऑर्डिनेशन होता है केमिकल्स के रिलीज से, है ना, केमिकल्स के रिलीज से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है वो होता है प्लांट्स में, और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है इंसानों में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, क्लियर है ये बात। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, यहां पर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहां पर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, तो जो भी होना है वो केमिकल के जो है वो इससे होना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, क्या क्या होता है इसके अंदर, तो एक एक करके पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज, ओके, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, दीज रिसेप्टर्स, ठीक है, ये छोड़ो सब, ये छोड़ो, कम बैक। हम लोग पहले नर्वस सिस्टम को ढंग से देखते हैं। अब ये सिस्टम जो है इस इंसान के पीछे छुप चुका है, ठीक है, तो मैं तुमको समझाता हूं, देखो क्या होता है। बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ना हम दो टाइप, मतलब दो ब्रॉडली हम लोग दो सिस्टम देखते हैं, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, मैं यहां पर लिख देता हूं नर्वस, इतना समझ में आ गया कि भाई नर्वस सिस्टम हम ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर देखते हैं, और प्लांट्स के अंदर जो है वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर नर्वस सिस्टम के अंदर दो हिस्से हैं, एक है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल, कौन सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, भाई जो बॉडी के सेंटर में आ रहा है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, तो ये क्या है, ये सेंटर में आ रहा है, मतलब इस तरीके से याद रख सकते हो, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या फिर ऐसे कह सकते हो मेन जो नर्वस सिस्टम अपना होता है वो ये है, ठीक है। जैसे कि नहीं होता कि एक हेड ऑफिस होता है, ठीक है, एक होता है हेड ऑफिस और बाकी सब उसकी ब्रांचेस होती है, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई एक लेट अस से कि अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली सैमसंग का हेड ऑफिस कहां पर है इंडिया में, पर जहां पर भी हो मान लो कि मुंबई में, ठीक है, तो मान लो मुंबई उसका हेड ऑफिस है ना, तो वो मेन ऑफिस है, बाकी सब सिटीज में उसकी ब्रांचेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
वैसे ये स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन है ये अपना हेड ऑफिस हो गया और ये सब उसकी ब्रांचेस हैं। तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो अपनी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर, पेरिफेरल मतलब क्या, जो मेन का हिस्सा है ना, मेन का ऐसे अलग अलग हिस्सा, जैसे कि ये अपना मान लो कि ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा, और ये सारे क्या है, ये नर्व्स है मान लो, ये वैसे तो एक कोई तो भी ऐसा कीड़ा है, कॉकरोच लग रहा है, पर ये सारी नर्व्स हैं, है ना, ये सारी क्या है, नर्व्स हैं। तो ये क्या है, ये सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, ये नर्व्स हो गई, ये नर्व्स हो गई, ये सब क्या है, ये हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, मेन हो गया वो, और फिर उसकी जो नर्व्स है आइड साइड में, जो उसकी नर्व्स है आइड साइड में, वो क्या है, वो बिलोंग करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ओके, क्लियर है इतनी बात, वेरी गुड। तो ये अपना CNS हो गया और ये अपना PNS हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब और एक इंटरेस्टिंग बात तुमको मैं बताता हूं, अगर कोई खाली पेज मुझे मिलता है यहां पर, तो नहीं मिला तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग। देखो भाई, नर्वस सिस्टम हमने दो चीजें देखी, क्या देखा, पहली बात तो हमने देखा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमने देखा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मेरा जो AC है बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, तो हम जो है इसकी टर्बो कूलिंग को ऑफ कर देते हैं। बंद हो जा, बंद हो जा भाई, बंद हो जा, रहने दे, बिल्कुल रहने ही दे, थोड़ी देर चलो बंद ही कर देते, एक काम करते चलो बंद हो गया। देखो मैं इसको एडिट करूंगा नहीं करूंगा मुझे पता नहीं, ठीक है। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम में हमने देखा दो हिस्से हैं भाई, एक है अपना सेंट्रल जिसके अंदर अपना ब्रेन और क्या आ रहा है, जिसके अंदर अपना आ रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, और यहां पर PNS में क्या आ रही है, नर्व्स आ रही है, राइट, जो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही हैं, वो नर्व्स आ रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताता हूं, जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं उनको, उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो नर्व्स यहां पर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, जो नर्व्स जो है यहां पर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, उनको सोचो क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। जो नर्व्स यहां पर ब्रेन से निकल रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनको हम लोग बोल रहे हैं स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है इतनी बात, उनको हम लोग बोल रहे हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। आसान है, इतना समझ में आ गया भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर हमने दो हिस्से देखे, पहला है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो यहां पर यूजुअली होता क्या है, मैं तुमको समझाता हूं, एक ब्रीफ आइडिया देता हूं क्या होने वाला है, फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप जब किसी भी, लेट अस से कि आपने एक गर्म कैंडल को टच किया, अब हमारे मान लो कि आपने यहां से टच किया, तो यहां पर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, यहां पर बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, रिसेप्टर्स जो रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही आप उस कैंडल के ऊपर हाथ रखोगे ना, यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने वाला है, ठीक है। क्या जनरेट होने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने वाला है। अब होगा ये कि जैसे ही यहां पर आपने उसको टच किया, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, अब वहां से वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ट्रैवल होते 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 हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, है ना, कहां तक पहुंचेगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारे ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि भाई ये क्या है, ये खतरा है या फिर खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो उसको सिग्नल मिल जाएगा कि भाई हाथ हटा लो, तो हम हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। अगर खतरा नहीं है तो हम लोग हाथ रखे रखते हैं, जैसे कि आप मान लो कोई टेबल पर हाथ रख रहे हो। अब अगर मान लो, चलो एक और एग्जांपल है, तो मान लो आपने किसी तवे पर हाथ रखा है, किसी पैन पर हाथ रखा है, ठीक है। अगर वो पैन गर्म नहीं है तो आप हाथ रखे रख सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी ने आपको बोल दिया है कि नहीं यार कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो पैन गर्म है, वैसे ही सडनली आपके ब्रेन में सिग्नल पहुंचेगा कि यार खतरा है, ब्रेन बोलेगा कि हाँ खतरा है, हाथ हटा लो, हम लोग हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है नर्व्स का और दिमाग का और स्पाइनल कॉर्ड का, ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो यहां पर पढ़ भी सकते हो कि ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, यहां पर नर्व सेल्स प्रेजेंट है, इनके जो टिप्स है, है ना, वहां पर जो है वहां से ये इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, वहां से देखो क्या हो रहा है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, तुम समझो, है ना, ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा तो है नहीं कि तुमको अगर पैर के अंगूठे पर कुछ लगता है तो तुमको फील नहीं होता, होता है ना, फील तो होता है, राइट। अगर वहां पर तुम मान लो कि गर्म कैंडल का वैक्स गिर गया तो फील तो होगा ना, तो वहां पर भी ये सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट, वेल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल, मतलब यही है कि जो गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं,
है ना, ये क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, नहीं तो हमको तो कुछ टेस्ट फील ही नहीं होगी। और जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो हमको कोई स्मेल ही फील नहीं होगी, हमको लगता है ना कि अरे अच्छी स्मेल आ रही है, अरे गंदी स्मेल आ रही है, राइट। तो वो क्यों है, क्योंकि रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो आपको बता रहे हैं कि भाई हाँ अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नर्वस सिस्टम के अंदर दो हिस्से हैं, अब इसके बारे में और चर्चा करते हैं हम लोग। अब देखो पीएनएस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो बात हो गई, पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है हम और दो टाइप की नर्व्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली है सोमैटिक नर्व्स, जो कि यार वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है। सोमैटिक नर्व्स क्या करती है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है। वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या, जैसे कि मान लो कि मैं चल रहा हूं तो मैं मेरी मर्जी से चल रहा हूं, ठीक है, मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से मूव कर रहा हूं, मैं अपनी गर्दन मूव कर रहा हूं, अपनी मर्जी से मूव कर रहा हूं, मैं ऐसे नॉड कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं। तो जो भी चीजें आप अपनी मर्जी से करते हो, वॉलंटियर क्या होता है, आप सोचो, खुद इमेजिन करो वॉलंटियर क्या होता है। स्कूल के अंदर जो अपनी मर्जी से कोई ड्यूटी करने के लिए रेडी होता है उसको हम लोग वॉलंटियर बोलते हैं, राइट। टीचर बोलती है ना कि यार किस किस को वॉलंटियर करना है आ जाओ, तो बच्चे हाथ खड़े करते हैं, मैडम मुझे आना है, मुझे स्कूल में ड्यूटी करनी है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस होती हैं, ठीक है, ग्रेट। तो हाथ का मूव करना, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, यहां पर रिस्पॉन्सिबल है सोमैटिक नर्व्स, ओके। और ऐसी एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जो कि हम कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं करते हैं वो इन वॉलंटरीली हो जाती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इन वॉलंटरी एक्शंस। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इन वॉलंटरी एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, है ना, डाइजेशन, क्या तुम डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो, क्या तुम अपने पेट को बोलते हो थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर बाद डाइजेशन करना, नहीं भाई, डाइजेशन अपने आप होता रहता है, तुम्हारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कर तुम्हारी बॉडी ही रही है पर तुम सोचो कि तुम्हारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा दिल का धड़कना, क्या तुम दिल को बोल सकते हो कि भाई 5 सेकंड धड़कना बंद कर दे, अगर उसने धड़कना बंद कर दिया ना तो फिर खत्म, मामला ही खत्म, ठीक है। तो दिल का धड़कना जो है वो क्या है, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। डाइजेशन क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, राइट, इनको हम कंट्रोल नहीं करते, तो इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, ऑटोनॉमिक नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऑटोनॉमिक के दो हिस्से हैं, और ऑटोनॉमिक के और दो हिस्से हैं, पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा है एसिंपैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक मतलब क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब अगर सिंपैथेटिक नर्व्स को आप ऐसे बोल सकते हो कि ये देखो यहां पर लिखा है मैंने, ये क्या करती है, ये बॉडी को किसी भी फाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करती है। जैसे कि मान लो कि सामने से कोई आपको मारने आने वाला है तो आपकी बॉडी क्या होगी, बिल्कुल ऐसी एनर्जाइज हो जाएगी, हाँ बेटा आ जा अभी तेको दिखाता हूं, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या है, किसी एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इंपल्सिव रिएक्शन के लिए खुद को रेडी कर रही है, राइट। आपको बहुत तेज भागना है तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी को ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी को ऐसी एनर्जी फील हो रही है, राइट, वेरी गुड। आप देखते हो कि मूवीज के अंदर आपने देखा होगा, मूवीज के अंदर क्या होता है कि जब विलन किसी भी हीरो के फैमिली मेंबर के पीछे पड़ता है तो वो फैमिली मेंबर भी बड़ा तेज भागता है, क्यों, क्योंकि वो फाइट रिस्पॉन्स के लिए उसने खुद को रेडी कर लिया कि भाई भागना तो पड़ेगा, है ना, बहुत ही एनर्जी लानी पड़ेगी। तो यहां पर ये ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हेल्प कर रहा होता है, मतलब सिंपैथेटिक नर्व्स जो है हेल्प कर रही होती है, ठीक है, जब भी कोई पोटेंशियल डेंजर होता है ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि तुम्हारे, इमेजिन करो कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, है ना, और तुम्हारे सामने से फायर बॉल आ रहा है और तुम उस गेम का मेन हिस्सा हो, तो तुम हटोगे ना, तुम्हारी बॉडी एकदम से देखेगी और भागेगी, तो ये पोटेंशियल डेंजर था, यहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ऑन द अदर हैंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, भाई अपनी बॉडी को शांत, रिलैक्स्ड, कूल रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जहां पर सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो आपको प्रिपेयर कर रही है किसी भी फाइट रिस्पॉन्स के लिए, किसी भी डेंजरस, पोटेंशियल डेंजरस सिचुएशन के लिए, वहीं यहां पर एसिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो आपको प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, मतलब वो आपको शांत कर रही है कि भाई रिलैक्स हो जा, शांत हो जा, सब मोह माया है जीवन में, जो है सब मोह माया है, ठीक है। तो ये एसिंपैथेटिक नर्व्स का काम है, क्लियर है, वेरी गुड। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन क्या चीज है भैया, देखो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि यार हमारी बॉडी के अंदर आप जो यहां पर कुछ फील करते हो, है ना, उसके बाद वो चीज आपके दिमाग तक जाती है, तो यहां पर न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं आगे समझाऊंगा तुमको वो चीज, लेकिन एक बार तुम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो, तो ये अपना एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का, सोचो ये बहुत छोटा है, मतलब बहुत सारे, मतलब सैकड़ों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, एक बार ध्यान से देखना।
ये अपना मेन न्यूक्लियस है, तुम इसको बना भी सकते हो। बनाने के लिए मैं तुमको बता दो क्या तरीका है, ऐसे 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 एक स्पाइडर वेब टाइप ड्रॉ करो, बीच में न्यूक्लियस ड्रॉ करो, ठीक है, यहां से जो है ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ। अभी भी हमको याद है, सोचो हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था, अभी भी याद है, और यहां पर इसकी नर्व एंडिंग्स बना दो, ठीक है, नर्व एंडिंग्स बना दो, और यहां पर भी इसकी ऐसी डेंड्राइट्स बना दो। बताता हूं डेंड्राइट्स क्या होता है, हो गया, ये देखो बन गया सेम, बन गया सेम, है कि नहीं, मना कि नहीं, मुझे खुशी हो रही है, देखो कितना सेम बन गया। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, क्या काम कैसे काम करता है आगे बताता हूं मैं, ठीक है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, यहां पर न्यूरॉन का यहां पर बीच में देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, दिस इज द न्यूक्लियस। ये जो आप देख रहे हो इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ये बिल्कुल एंड में जो आप देख रहे हो ना ऐसे ब्रांच टाइप, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये सेल की बॉडी है सीधी बात, ये एक्सॉन है, क्या है एक्सॉन, ऐसे समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ऐसे यहां से ट्रेवल कर रहा होता है, समझाऊंगा आगे जाके पर कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं। और आखिरी में है ये नर्व एंडिंग, सिंपल सी बात है, नर्व एंडिंग मतलब क्या, जो एंडिंग के हिस्से में प्रेजेंट है। तो ये एक न्यूरॉन होता है, अब न्यूरॉन क्या काम करता है कैसे काम करता है वो मैं तुमको समझाऊंगा, पर ये न्यूरॉन का आपका स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का न्यूरॉन हमारा दिखता है, ठीक है। अब देखो, अब वही वापस से बात आ गई, जब हम लोग किसी भी गर्म चीज को टच करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि वो वहां से हम लोग हमारा हाथ हटा लेते हैं, लेकिन वो जो पूरी प्रोसेस मैं तुमको कब से बता रहा हूं ना, वो प्रोसेस के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं कि एक्चुअली वो प्रोसेस होती कैसे है। तो अब देखो जरा कि हमें जब गरम गरम चटका लगता है तो वो कैसे लगता है, यहां देखो इंफॉर्मेशन की का ट्रांसफरिंग, बेसिकली न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज दी नर्व सेल। तो हम लोग जब नर्व सेल की बात करेंगे तो हम लोग न्यूरॉन की बात कर रहे हैं ना, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर नर्व सेल। अब हमको पता है कि हमारे हाथों पे, स्किन पर, फिंगर टिप्स पर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, यही नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो जरा, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। ये क्या है ना, बेसिकली आप समझो कि ये जो आपकी टिप है, या फिर इधर देखो, इधर आ जाओ, ये जो ना ये टिप जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप डेंड्राइट्स, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्वायरिंग का काम करते हैं, क्योंकि देखो ये बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी हमारे अराउंड कोई भी हमको इंफॉर्मेशन, किस बात की इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है, कि भाई गर्म लग रहा है ना, अब जैसे कि मान लो मैंने हाथ जो है वो कैंडल के ऊपर रखा हुआ है तो मुझे गर्म लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहां से इंफॉर्मेशन क्या है, कैप्चर हो रही है। सो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। कहां से एक्वायर हो रही है, ये डेंड्राइट से एक्वायर हो रही है, ठीक है, कहां से एक बार हो रही है, डेंड्राइट से एक बार हो रही है। और जैसे ही यहां पर ये हुआ, जैसे ही यहां पर ये हुआ, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरा हाथ गलती से जो है वो आग के ऊपर रखा गया, मतलब कैंडल के ऊपर रखा गया, तो ये जो डेंड्राइटिक टिप्स थी, नर्व सेल्स की जो डेंड्राइटिक टिप्स थी, वहां पर क्या हुआ, वहां पर इंफॉर्मेशन एक्वायर हुई, कैप्चर हुई, और जैसे ही कैप्चर हुई है ना, क्या हुआ कि एक केमिकल रिएक्शन के कारण एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ। और आप लोग नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स का बहुत बार जिक्र देखोगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्या इस नाम में आपको तेजी दिख रही है, क्या इस नाम में आपको बहुत तेजी दिख रही है, आप जैसे कैंडल पर हाथ रखते हो आप हटा लेते हो, बहुत तेजी से हुआ, इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण हुआ, पढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया ये डेंड्राइट्स ने जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया, कैप्चर किया, और एक केमिकल रिएक्शन के चलते एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, ठीक है। अब देखो क्या होना है, तुम सोचो कि डेंड्राइट प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, तो सिंपल सी बात है कि वो पूरी बॉडी में ऐसे ट्रेवल करके आगे जाएगी, है ना, ऐसी होगा भाई, ये दिमाग तो हम खुद भी लगा सकते हैं कि ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो यही होता है कि दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट, डेंड्राइट से वो जाती है सेल बॉडी में, ये देखो डेंड्राइट है, डेंड्राइट से वो जाती है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाता है एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर यहां पर एक्सॉन से ट्रेवल करते करते फिर जाता है नर्व एंडिंग पर, कहां जाता है, नर्व एंडिंग पर जाता है, क्लियर है ये बात। इंपल्स जो यहां पर जनरेट हुई है वो डेंड्राइट से ट्रेवल करके सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, और फिर नर्व एंडिंग, ठीक, वेरी गुड। एट द एंड यहां पर देखो ये नर्व एंडिंग है, ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, नर्व एंडिंग है। एट द एंड द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। अब यहां पर क्या होना है ना, कि यहां पर आप समझो कि एक जॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स, आप बोल सकते हो एक ऐसी गैप है, ठीक है। तो अगर यहां से इंफॉर्मेशन को यहां तक ट्रेवल करवाना है, यहां से यहां तक ट्रेवल करवाना है, तो इसको सारे ऐसे नर्व से होते हुए जाना पड़ेगा ना, सोचो बच्चों की तरह सोचो, यहां से अगर जाना है
तो सबके थ्रू ट्रैवल होते हुए जाना पड़ेगा, यानी कि एक नर्व सेल से दूसरा नर्व सेल से तीसरा नर्व सेल फिर चौथा नर्व सेल, राइट। तो ये पहले नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर कैसे होगा ये देखो। तो क्या होता है कि यहां पर एंड में ये जो साइनर्स यहां पर जो जॉइंट है गैप है यहां पर क्या होता है देखो, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था ना जो यहां पर जनरेट हुआ था वो एक केमिकल रिएक्शन करवाता है, ठीक है। एंड ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ये इस साइनैप्स या फिर इस गैप को क्रॉस करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं कि साइनैप्स या फिर इस गैप को क्रॉस करते हैं और एक और इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करते हैं यहां पर, कहां पर ये देखो, सब छोड़ो एक बार मैं जो बता रहा हूं वो ब्रीफ में समझ लो फिर बिल्कुल क्विकली समझाऊंगा तो सब याद हो जाएगा। क्या हुआ सबसे पहले भाई, गरम लगा, है ना, गरम लगा तो क्या हुआ कि यहां से डेंड्राइट से जो अपना इंपल्स जनरेट हुआ वो सेल बॉडी के थ्रू फिर एक्सॉन में गया, एक्सॉन से गया फिर नर्व एंडिंग में, ठीक है। अब यहां से दूसरे नर्व सेल में जाना पड़ेगा, तो यहां पर नर्व एंडिंग के यहां पर ये जो साइनैप्स है ये जो गैप है ना इस गैप को ट्रेवल करने के लिए एक केमिकल रिलीज हुआ, ठीक है। अब यहां पर जो देखो है ना क्रॉसेस द गैप और साइनैप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो यहां पर क्या होता है इस केमिकल के रिलीज के चलते ऐसा ही एक सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस डेंड्राइट में स्टार्ट होता है, फिर अगेन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ है वो सेल बॉडी में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, नर्व एंडिंग में जाएगा, वहां पर वापस से साइनैप्स प्रेजेंट गैप प्रेजेंट होगी, वहां पर अगेन सेम चीज होगी और ऐसा चलते रहेगा जब तक ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच जाती है। क्लियर है ये बात? तो ये बहुत ही डिटेल में मैंने तुमको समझाया है, है ना, इस तरीके से ये चीज हो रही होती है कि भैया सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया गया, है ना, डेंड्राइट्स ने जो है इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहां पर जनरेट हुई, पूरी सेल बॉडी एक्सॉन को ट्रेवल करते करते नर्व एंडिंग पे पहुंची। अब वहां पर उसको दिखा कि गैप है, तो कुछ केमिकल रिलीज के चलते वो जो गैप है वो क्रॉस हुई एंड ऐसी ही एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट पर जनरेट हुई, फिर अगेन सेम चीज हुई, फिर अगेन वहां पर साइनैप्स आएगा, फिर सेम चीज होगी, ठीक है। ये देखो है ना, That's how nervous impulse travels in the body. मतलब यहां से अगर उस nervous impulse को यहां तक जाना है तो travel करना पड़ेगा और वो traveling ऐसे होती है। Clear ये बात? ये देखो दिखाता हूं मैं। सबसे पहले तो surrounding information से surrounding information gather होती है, उसके बाद में chemical reaction होने के साथ साथ एक electrical impulse generate होती है, ठीक है। क्या होता है सबसे पहले तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले information acquire की जिसके चलते केमिकल रिएक्शन हुई और उसके चलते इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कहां पर हो रहा है ये? डेंड्राइट पर, है ना। वहां से फिर कहां पर ट्रेवल किया ये? सेल बॉडी से गया एक्सॉन में, एक्सॉन से गया नर्व एंडिंग में, राइट। सेल बॉडी से एक्सॉन में और एक्सॉन से नर्व एंडिंग में। अब वहां पर क्या हुआ कि साइनैप्स प्रेजेंट था, गैप प्रेजेंट थी, तो वो गैप को भी ट्रेवल करना पड़ेगा, गैप को क्रॉस करना पड़ेगा, तो अगेन वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके चलते क्या हुआ कि सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स या फिर सिग्नल जो है वो अगले डेंड्राइट में जो है वो क्रिएट हुआ। समझ गए बात? आसान था, है ना, समझ गए बात? मतलब ये प्रोसेस आपको बताई जा रही है किस चीज के लिए? इसके लिए कि यार भाई किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो बॉडी में ट्रेवल करेगी। ओके, तो पहली बात इंफॉर्मेशन आई, याद करो, चलो रिकॉल करो, है ना, रिकॉल करो। पहली बात इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट, केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, वेरी गुड। फिर वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करेगी बॉडी में एक्सॉन नर्व एंडिंग, वेरी गुड। अब उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के चलते वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगी, क्यों? क्योंकि वहां पर गैप प्रेजेंट है, वो गैप को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो गैप क्रॉस होती है, उसके बाद में अगले नर्व सेल के डेंड्राइट पर एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, वेरी गुड। और फिर सेम प्रोसेस होते होते ये चीज हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या होता है, दो टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है? दो टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, सेंसरी न्यूरॉन जो आपके डेंजर या फिर आपके चेंज को सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन जो कि उसी सेंस्ड डेंजर या फिर उसी सेंस्ड चेंज का रिस्पॉन्स होता है जो कि मोटर न्यूरॉन से आता है। देखो जरा यहां पर साफ साफ दिखेगा, फिर मैं आगे चलकर तुमको दिखाता हूं, यहां पर बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है, ये देखो। हां ये देखो, अदर वेज रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव वसल्स देन एक्शन विल बी कंप्लीटेड क्विकली, सच कनेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। देखो यहां पर, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन, रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्मड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। ये मैं तुमको डिटेल में आगे समझाऊंगा, पर फिलहाल के लिए इतना देखो, ये डिटेल काफी है तो मैं आगे समझाऊंगा। क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, है ना, यहां से आपने रिसीव कर लिया, ठीक है, ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है पर, तो ये कैसे न्यूरॉन्स है? सेंसरी न्यूरॉन्स। देखो, इन्होंने सेंस किया है।
अब ये जाएगा यहां पर इंफॉर्मेशन, यहां से ये पहुंचेगी ब्रेन में, मैसेज ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन से कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा, उसके बाद में क्या होना है, उसके बाद में यहां पर मोटर, ये देखो मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, मोटर न्यूरॉन के चलते क्या होता है कि हमारे पास एक मैसेज पहुंच रहा है वापस से कि यार हाथ हटा लो गर्म लग रहा है, ठीक है हाथ हटा लो गर्म लग रहा है, ठीक है तो वो हम समझते हैं जब हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इतना क्लियर है, है ना, इतना क्लियर है। ये बस इतना बोल रहा है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम। क्लियर है ये बात, वेरी गुड। लुक एट द फिगर एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम कर सकते हो क्वेश्चन, ये कहां पर इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है, कहां से कहां ट्रेवल होती है, ठीक है, और किस प्रकार से अगले नर्व सेल में जाती है, ठीक है। अब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन समझते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है ये समझते हैं। When we do something without thinking about it, मतलब तुम सोचो कि जब तुमको गरम गरम लगेगा कैंडल के ऊपर हाथ रखे, तुम एकदम से हाथ हटाओगे ना, कि सोचोगे गरम लग रहा है, हटाओ कि नहीं हटाओ, हटाऊंगा तो हाथ नहीं जलेगा और रखूंगा तो हाथ जल जाएगा, एक काम करता हूं रहने देता हूं, सोचते हो क्या? अबे नहीं, जैसे ही गर्म लगता है फटाक से हाथ हटाते हो, सोचने का भी टाइम नहीं होता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है जहां पर आप कुछ बिना सोचे कर रहे हो, ठीक है। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, सिंपल सी बात है, फिलहाल फटाक से हाथ डालोगे। वन वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न एंड मूव आवर हैंड व्हेन आवर ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स, ठीक है, तो ये वही चीज हो गई, ये तो बेवकूफी हो गई, ठीक है, हम बेवकूफी नहीं करेंगे, हम जो है फटाक से अपना हाथ हटा लेंगे, ठीक है। ये देखो, तो ये पहला तरीका है कि वन वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न, आप ऐसा नहीं करोगे ना, आप क्या करोगे, फटाक से हाथ हटाओगे, ठीक है। दूसरा वे क्या है, वही उस पर बात करते हैं हम लोग। अदर वे इज रैदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स, देन एक्शन विल बी कंप्लीटेड क्विकली। यानी कि हमें, हमारा जो सिस्टम है ये इस प्रकार से बना हुआ है कि जैसे ही आपको गर्म लगेगा आपके मसल्स मूव करेंगे और आप हाथ हटा लोगे, यानी कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, और वो कनेक्शन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया क्या होता है, कि जब आप किसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हो बिना सोचे समझे एकदम फटाक से, ठीक है। अब हम लोग रिफ्लेक्स आर्क समझते हैं, ठीक है, मैंने अभी तक तुमको रिफ्लेक्स आर्क नहीं समझाया, अब हम लोग रिफ्लेक्स आर्क समझते हैं, ठीक। तो अब जब मैंने रिफ्लेक्स एक्शन तुमको समझा दिया, अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्स मतलब ये काम कैसे करता है। सिंपल है, देखो बड़ा ही सिंपल है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे आप किसी गर्म चीज को टच करोगे, किसी भी गर्म चीज को टच करने के बाद में जो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन पे, है ना, जो स्किन पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है कि वो डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई कुछ गर्म लगा है, कुछ तो कुछ ना कुछ तो लगा है, ठीक है। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन हम लोग रिसीव करने के बाद में पास ऑन कर रहे हैं, वो कौन करता है, वो करता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, वो कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन करता है, ओके। अब यहां से देखो, ये इंफॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रैवल हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास में, कहां पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास में, ये देखो पहुंचे ये स्पाइनल कॉर्ड के पास में गया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बीच में प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन। रिले मतलब क्या है, अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो सेंसरी और मोटर को जोड़ने वाला, मतलब यहां से जो आपने सेंस किया है और जो आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, इन दोनों चीजों को जोड़ने वाला होता है ये रिले न्यूरॉन। अब देखो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड अपना डिसीजन बताएगा कि भाई हाथ हटा लो, है ना, स्पाइनल कॉर्ड अपना डिसीजन बताएगा कि भाई हाथ हटा लो, ये प्रोसेस को और फास्ट बनाने के लिए किया गया। ब्रेन को मैसेज पहुंचेगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचेगा, पर डिसीजन यहां पर हो जाएगा कि भाई हाथ हटा लो, ठीक है। तो अब जब ये डिसीजन हो चुका है तो क्या होगा कि जो डिसीजन है वो क्या है कि हाथ हटाना है, तो यहां से वो डिसीजन मोटर न्यूरॉन की हेल्प से जो है, ये कौन सा न्यूरॉन है, देखो दिस इज मोटर न्यूरॉन। तो ये जो डिसीजन आया है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से कि हाथ हटा लो, ये मोटर न्यूरॉन की मदद से पहुंचेगा यहां के मसल्स पे। क्यों मसल्स पे पहुंचेगा, क्योंकि हाथ कौन हटाएगा, मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन है, मसल्स, है ना, ठीक है। तो मसल्स तक पहुंचेगा कि भाई हाथ हटा लो, समझ गए बात को। तो यहां पर सिंपल सी भाषा में हुआ ये कि आपने हीट या फिर पेन को रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन की मदद से गया स्पाइनल कॉर्ड तक कि भैया बताओ क्या करना है, है ना, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड ने फटाक से बता दिया कि भाई आपको हाथ हटाना है। तो ये जो रिस्पॉन्स आया है हाथ हटाने का, ये रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन से ट्रेवल होकर हमारे मसल्स तक पहुंचेगा कि हाथ हटाना है, और हमारे मसल्स जो है वो मूवमेंट करके हमारा हाथ जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारे रिसेप्टर्स, मतलब अगर हम ये इनको रिसेप्टर्स कह रहे हैं, तो हमारे इफेक्टर्स क्या है, मसल्स है, मतलब मसल जो है वो क्या है, इफेक्टर्स है, क्योंकि यही है जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं,
ठीक है, क्लियर है बात। तो इतनी बात मुझे तुमको समझानी थी कि मैं रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, और ये सब इसके लिए लिखा हुआ है कि अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये बोलना चाहता है कि भाई आपको जब गरम गरम लगेगा तो आप वहां पर सोचोगे नहीं, आप फटाक से हाथ हटा लोगे, और जब आप फटाक से हाथ हटाते हो तो ये चीज होती है। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है बात। अब देखो क्या होता है, एक बार तुमको, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्स आर्क देखो क्या होता है, समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हैंड टचेस हॉट सरफेस, ये देखो हैंड ने हॉट सरफेस को टच किया। फिर क्या होता है कि हीट रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर, वो सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, किसकी मदद से, सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी, ऐसी पास होगी, ये जो हमने देखा था ना, ये ऐसी पास होगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेरी गुड। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स से वो जाएगा रीनल न्यूरॉन्स में, क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास गया है वो, तो वहां पर जो है स्पाइनल कॉर्ड अब उसका अपना डिसीजन देगी। ठीक है, कि भाई हाथ हटाना है, तो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर मतलब आगे बढ़ाना है, उन दोनों के बीच में ये रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने कैपिलरीज देखा होगा, कैपिलरीज लाइफ प्रोसेस के अंदर, कि भाई आपके जो दोनों वो थी क्या कहते हैं आर्टरीज और वेन्स थी, उनके बीच में ये कैपिलरीज होती है। वैसे यहां पर सेंसरी और आपके मोटर के बीच में रिले न्यूरॉन होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन दिया हाथ हटाना है, फिर वो डिसीजन जो है मोटर न्यूरॉन्स, वो जो इंफॉर्मेशन है वो मोटर न्यूरॉन्स ट्रेवल करके लेके जाएंगी मसल्स तक। मसल्स को जैसे ये सिग्नल मिलेगा कि हाथ हटाना है, ये अपना हाथ जो है वो हटा लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड काम है। यहां पर हमको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज रिसेप्टर्स, दूसरी चीज सेंसरी न्यूरॉन्स, तीसरी चीज रिले न्यूरॉन्स, और चौथी चीज मोटर न्यूरॉन, और पांचवी चीज मसल। बस अगर तुमको ये पांच चीजें याद है ना, तुम अपने आप रिफ्लेक्स आर्क बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखो, सिंपल है। ओके, समझ गए कि रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये सब क्या होता है, क्लियर है। ठीक है, देखो ये जो स्लाइड है ना, ये थोड़ी सी डिटेल्ड स्लाइड्स है, क्योंकि इन्हीं से नोट्स बने हैं, इन्हीं से नोट्स बने हैं, इसलिए स्लाइड्स थोड़ी सी डिटेल्ड है। बाकी मैं जो तुमको समझा रहा हूं वो बहुत ही मतलब बुक के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड, ये रिफ्लेक्स आर्क अपनी होती है, क्लियर है ये बात, समझ गए बात। और ये जो हमने सीएनएस पीएनएस पढ़ा है वही चीज है, और हम आगे जाएंगे ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये समझ में आ गया रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अब हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ लेते हैं। तो भाई अब ये सारी रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझने के बाद में हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरफ। सीएनएस पीएनएस हमने समझ लिया था कि सीएनएस मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, और पीएनएस मतलब क्या, जिसके अंदर आपकी नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम लोगों ने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों एक्शंस के बारे में जो है वो बात कर ली थी, कि वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या होती है, भागना, दौड़ना, चलना, बैठना, ये सारी चीजें वॉलंटरी है, आप खुद कंट्रोल करते हो। इनवॉलंटरी मतलब क्या, डाइजेशन, हार्ट बीटिंग, सलाइवेशन, ये सारी चीजें इनवॉलंटरी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, और कंट्रोल करने का ट्राई भी मत करना। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन के अंदर भैया तीन मेजर हिस्से होते हैं, और ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मतलब आप सोचो कि अगर इंसान जीवित कैसा रहेगा ना, जीवित रहने के लिए दिमाग तो चाहिए उसको। ठीक है, ग्रेट, तो यहां पर जो है दिमाग, ह्यूमन ब्रेन जो है, इसके अंदर तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फोर ब्रेन, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। कौन से फोर, मिड और हाइंड, कौन से फोर, मिड और हाइंड। ठीक है, तो ये तीन मेजर ब्रेन्स जो है हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके हम लोग जरा इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। तो ये अपना प्रॉपर सा डायग्राम है। अब बहुत सारे बच्चों का यहां पर कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा। देखो, इस डायग्राम को ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट लगता है, तो मेजरली मोस्टली ये डायग्राम आपको लेबल करने के लिए आता है। ठीक है, तो अगर ड्रॉ करने के लिए नहीं आता तो ये मोस्टली आपको लेबल करने के लिए आता है। इसीलिए मेरी जान, जितने भी यहां पर इसके पार्ट्स है उसको ठीक से ढंग से देख लेना। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेडुला कहां पर प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए सेरेब्रम कहां पर प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सेरेबेलम कहां पर प्रेजेंट है, सारे ब्रेन के पार्ट्स बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए आपको लेबलिंग ढंग से आनी चाहिए। ओके, तो हम लोग जो है एक एक करके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, कि भैया ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर ब्रेन की। ये देखो अपना ये फोर ब्रेन है, सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन जो है ये आपके दिमाग का मेन थिंकिंग पार्ट है, यहां पर जो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी थिंकिंग होती है ना वो यहां पर होती है। इसके अंदर देखो ये जो मेजर हिस्सा प्रेजेंट है वो है सेरेब्रम। क्या प्रेजेंट है? सेरेब्रम प्रेजेंट है।
ठीक है, क्या प्रेजेंट है? सरे ब्रह्म प्रेजेंट है. ओके, इट रिसीव्स, अब सिंपल सी बात तुमको बता दूं क्या होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मैं तुमको बताता हूं. अब आपको मान लो कोई भी वॉलंटरी एक्शन करनी है ना, आपको अगर मान लो कोई भी वॉलंटरी एक्शन करनी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि सामने वाले ने आपको ये पूछा कि भाई बता तेरे घर के अंदर कितने लोग हैं, समझना. तो सबसे पहले तो आपने उस चीज को सेंस किया, समझा, सुना, यार ये पूछ रहा है कि मेरे घर के अंदर कितने लोग हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक गई. अब वहां पर आपके दिमाग के अंदर एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ऑलरेडी, क्या कि मेरे घर में चार लोग हैं. तो आप क्या करते हो, आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो अलॉन्ग विद जो आपने सुनी है और बताते हो कि भाई मेरे घर के अंदर चार लोग हैं. तो ये जो मेजर थिंकिंग वाला पार्ट है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाला पार्ट है, ये होता है यहां पर फोरब्रेन यानी कि सेरेब्रेन के अंदर. ठीक है, तो मेजरली जो आपकी, जैसे कि यहां पर देखो, बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड द इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स. तो जो वॉलंटरी एक्शन होती है वो इसकी मदद से हो रही होती है, सेरेब्रम जो आपका प्रेजेंट यहाँ पर फोरब्रेन के अंदर है ना. जैसे कि मूवमेंट ऑफ लेग मसल्स है ना, अब ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं हाथ की मसल्स को मूव कर रहा हूं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं. ठीक है, क्यों? अब मान लो कि मुझे, अब मान लो कि सामने जो है एक, मुझे प्यास लगी है, ठीक है, तो सामने एक ग्लास रखा हुआ है. अब मेरे दिमाग ने सोचा कि यार मुझे ग्लास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपना हाथ आगे करूंगा, ग्लास ले लूंगा और पानी पी लूंगा. तो ये जो मेजर थिंकिंग पार्ट है, सोचने वाला पार्ट है, सारी चीजें जो है ये इस फोरब्रेन के मदद से हो रही होती है. क्लियर है इतनी बात? अच्छा, तो फोरब्रेन की बात तो अपनी हो गई. अब हम लोग बात करने वाले हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्यों? देखो जरा यहां पर, मेनी इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. जितनी भी आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस होती है ना, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो भैया ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है. ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर आपके हाथ में नहीं है, कभी भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है. ठीक है, हाँ, टेंशन लोगे ज्यादा तो फिर वो अलग बात है. वॉमिटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, डाइजेशन, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो कि ये आपके मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की हेल्प से जो है ये इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल होती है. ठीक है, समझ गए बात को? जैसे कि यहां पर देखो, एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, इस आपके हाइंड ब्रेन का एक हिस्सा होता है सेरेबेलम. कौन सा हिस्सा होता है? सेरेबेलम. हमारे बॉडी का जो पोस्चर है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, वो इस सेरेबेलम की मदद से जो है वो सही रहता है. जैसे कि अगर मान लो कि मुझे स्ट्रेट लाइन में चलना है तो मैं चल सकता हूं, मुझे साइकिलिंग करनी है तो मैं बैलेंस करके कर सकता हूं, मुझे स्ट्रेट पोस्चर में खड़ा रहना है तो मैं रह सकता हूं. ठीक है, मुझे एक बैलेंस अगर मेंटेन करके रखना है तो मैं कर सकता हूं. क्यों? इस सेरेबेलम की मदद से. ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के पोस्चर और बैलेंस के लिए. ठीक है, ये देखो कहां गया, लिखा है नीचे, एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड अ सेरेबेलम. ये हाइंड ब्रेन है, इसका एक पार्ट है सेरेबेलम. सेरेब्रम अलग है, वो फोरब्रेन का हिस्सा है, सेरेबेलम अलग है. ठीक है, बहुत सही. ओके, और कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पर डिस्कस करता हूं कि अपना ये जो है, कहां गया, चलो ये बात तो समझ में आ गई हमको कि इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है. ये कंट्रोल हो रही है मेडुला की मदद से. वही मैं सोचूं, मैं कुछ एक हिस्सा मिस कर गया था. ठीक है, तो ये मेडुला क्या है? ये जो मेडुला है ये भी हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, देखो. ठीक है, तो वही हमने समझ लिया कि भैया पहली बात तो इनवॉलंटरी एक्शंस मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की हेल्प से जो है वो अपनी वो हो रही होती है, क्या होती, कंट्रोल हो रही होती है. जिसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल? मेनली ये मेडुला रिस्पॉन्सिबल है एक तो, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, और दूसरा अपना वॉलंटरी, सॉरी, अपना जो ये है बॉडी पोस्चर हो गया, और अपना जो एक कहते हो आप बैलेंस हो गया, वो कौन मेंटेन कर रहा है? वो मेंटेन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम. सेरेबेलम है जो है, इसके कारण से हमारी बॉडी जो है वो एक पोस्चर में है, हमारी बॉडी बैलेंस्ड है. ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ गए? तो ये पार्ट्स होते हैं हमारे मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन. समझ गए? पहला है सेरेब्रम, मेजर थिंकिंग पार्ट है, जो मेजर वॉलंटरी एक्शन से वहां पर कंट्रोल हो रही है. फिर फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, इसके अंदर आपका मेडुला प्रेजेंट है और सेरेबेलम प्रेजेंट, मतलब जो मेनली बात कर रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शन वहां पर कंट्रोल होती है, और सेरेबेलम हमारी बॉडी के पोस्चर और बैलेंस के लिए बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है. फिर हम बात करते हैं CNS प्रोटेक्शन की. CNS प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये ना आपकी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, क्योंकि भैया इनके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है. तो डेलिकेट भी बहुत है, बहुत डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक है, तो इनको प्रोटेक्शन देने की बहुत रिक्वायरमेंट है. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हमारे देश के अंदर जो बहुत ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है,
हाई लेवल सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, राइट, वो इंपॉर्टेंट पर्सनल्स है, राइट। वही अगर हमारी बॉडी के अंदर मैं बात करता हूँ तो ये सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेलिकेट पार्ट्स हैं, इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। तो इसीलिए अगर आप देखते हो, देखो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करना है, ये क्रैनियम स्कल जिसको आप कहते हो, क्रैनियम खोपड़ी, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कल है और फिर ब्रेन आ गया, बस एक केज बना हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइन्ड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। बोनी बॉक्स कौन सा है? क्रैनियम। कौन सा है? क्रैनियम स्कल, क्रैनियम बॉक्स, ओके। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। मतलब वहां उसके अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड फिल्ड बलून प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये जो हमारा ब्रेन है वो प्रेजेंट है, जिससे कि शॉक एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो वहां पर पॉसिबल हो पाए, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये क्रैनियम हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करके रखता है। वही जब मैं बात करता हूँ स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड, भाई स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत डेलिकेट है, इसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइनल कॉर्ड को ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड ऐसे लटक रही है पीछे हमारे, नहीं, आप देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, आपको आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये वर्टिब्रल कॉलम हमारी एक तो बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और दूसरी बात इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टेड रखता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो हमने पूरा ब्रेन समझ लिया है और हमने CNS प्रोटेक्शन के बारे में भी समझ लिया है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ना हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को समझने की। मतलब ये मेरे बाल कैसे आगे आ गए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को समझने की। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बेसिकली देखो, आपका जो मेजरली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो कैसा होता है? हार्मोन से होता है, ठीक है। तो आपके जो प्लांट्स है वो भी अलग अलग स्टिमुलाय को, अलग अलग चीजों को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं पहली बात करता हूँ तो प्लांट जो है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखो, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स हो जिनकी लीव्स को अगर आप टच करोगे तो वो फोल्ड अप हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाय को, बाहर के एक स्टिमुलाय को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स अगेन एक्सटर्नल स्टिमुलाय को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है, होती है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अब देखो यहाँ पर मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ का क्या मतलब है? आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की तरफ ग्रो हो रहे होते हैं, है ना, मतलब उनके ऊपर सनलाइट का इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जानने के लिए, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये देखो भाई ये क्या कर रहे हैं, सनलाइट, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट एक होता है कि अगर आप एक मतलब एक रूम है उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग है, खिड़की है जहां से सनलाइट आती है, ठीक है, तो ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट उस सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को एक तरीके से रिस्पॉन्ड दे रहा है, राइट, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। आप सोचो कि ये ग्रोथ डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में, ठीक है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स पार्ट्स ग्रो इन। बिल्कुल सही बात है, एनवायरमेंट के जो अलग अलग ट्रिगर, जैसे कि लाइट हो गया, तो ये क्या है, लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है। ग्रेविटी की बात हम आगे करेंगे, ठीक है, जैसे कि जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ नीचे की साइड ग्रो हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो है वो अगेन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। दीज डायरेक्शनल मूवमेंट्स कैन बी ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। सो शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट व्हाइल रूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। मतलब आप सोचो कि रूट्स नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि रूट्स से ऊपर निकले हुए हैं, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। तो ये अलग अलग टाइप के ट्रॉपिज्म है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एक जियोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, है ना। मतलब आप सोचो कि अगर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ये सवाल, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि रूट्स जो है वो लाइट के अपोजिट ग्रो हो रहे हैं, वही अगर मैं शूट्स की बात करता हूं तो मुझे बताना कि शूट्स क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो हो रहे हैं या फिर ग्रेविटी के साथ ग्रो हो रहे हैं, वो मुझे बता, मतलब ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रो हो रहे हैं। वही अगर मैं रूट्स की बात करूंगा तो रूट्स भाई आपके ग्रेविटी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। फिर केमोट्रोपिज्म क्या है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। हाइड्रोट्रोपिज्म भाई पानी के लिए रिस्पॉन्स टू वाटर, ग्रोथ ऑफ रूट्स नियर मॉइस्चर, है ना। तो ये किस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स हो गया, पानी का, मॉइस्चर का। मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ आर वेरी स्लो कंपेयर टू मूवमेंट रिलेटेड टू स्टिमुलस। आप सोचो कि जब मैं किसी भी, जैसे कि हमने देखा था कि कोई बहुत ही आपका सेंसिटिव प्लांट पार्ट है, लीफ है, अगर उसको टच करेंगे तो वो एकदम से फोल्ड हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस है, राइट। और ये सब बाकी क्या है, ये रिस्पॉन्स टू ग्रोथ है, ये बाकी सब क्या है, ये सब क्या है, ये रिलेटेड टू ग्रोथ है। तो ये स्लोली स्लोली होता है, आपको पता है कि प्लांट एक दिन में ग्रो नहीं होता, धीरे धीरे ग्रो होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ है,
ये सब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ है। अब हम लोग प्लांट हार्मोन्स की बात करने वाले हैं, वो सब इतना मतलब इतना कोई मायने नहीं रखता, हमको बस पता होना चाहिए कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ कैसे होती है, मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस कैसे होता है ना। जियोट्रोपिज्म हमने समझ लिया, मैंने तुमको एक छोटा सा होमवर्क दिया है, ठीक है। देखो यहां पर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, इसके अंदर ही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, ग्रेट। तो भाई ये सब क्या है, ये सब ग्रोथ वाले हैं, है ना, ये सब क्या है, ऑल दीज आर रिलेटेड टू ग्रोथ। तो ये सब धीरे धीरे होंगे, एक दिन में नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। वही जब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस की बात आती है, मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस की बात आती है, तो ये इमीडिएटली हो रहा होता है। तो आप देख सकते हो कि सिंपल सी बात है कि मूवमेंट, अगर जो ग्रोथ के कारण मूवमेंट हो रही है वो स्लो होती है ना भाई, ग्रोथ तो धीरे होगा, और जो स्टिमुलस के कारण होती है वो फास्ट होती है, ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो प्लांट हार्मोन्स बेसिकली, इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और एक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ को भैया स्टॉप क्यों करेंगे, क्योंकि एक लिमिट के बाद में भाई चीजें ग्रो होना बंद हो जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो हम बोलते हैं ना कि हमारा फ्रूट पक गया, तो पकने का मतलब क्या है, इट इज राइपनिंग हो चुकी है उसकी, अब इससे फर्दर ग्रो नहीं हो सकता। अगर और फर्दर ग्रो होता है तो कभी कभी वो खाने लायक नहीं बचता, वो हम बोलते हैं ना कि ज्यादा पक गया, ठीक है। तो वो यही चीज है कि भाई राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब क्या, कि भाई बस अब ग्रोथ को स्टॉप करना है ना, अब ग्रोथ को स्टॉप करना है, हो चुकी जितनी ग्रोथ होनी थी। वही जब हम बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर की, तो भाई सिंपल सी बात है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो यहां पर हम लोग अलग अलग हमारे हॉर्मोन्स के बारे में देखते हैं, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, है ना, ये सब क्या है, ग्रोथ प्रमोटर्स है। जैसे कि अगर मैं ऑक्सिन की बात करता हूं, देखो ऑक्सिन जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है सेल एलोंगेशन के लिए, किसके लिए, सेल एलोंगेशन के लिए। तो ये क्या प्रमोट कर रहा है, ये ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये जहां पर प्रेजेंट होता है वह सेल एलोंगेशन होता है, राइट, वहां पर क्या होता है, सेल एलोंगेशन होता है। यहां पर देखो कि इस केस में क्या हो रहा है, देखो हम जब बोलते हैं ना कि प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ जो है वो बेंड हो रहा है ना, प्लांट जो है वो सनलाइट की डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है वो हम समझते हैं। देखो जब सन ओवरहेड होता है, देखो यहां पर कहां गया, एक एग्जांपल लेते हैं कि जब सन ओवरहेड है, बिल्कुल सन ऊपर है, तो क्या होगा, विद सनलाइट ओवरहेड द ऑक्सीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, ये देखो ऑक्सीजन बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो प्लांट अपना ऊपर की साइड ग्रो हो रहा है, सेल एलोंगेशन बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। अब देखो यहां पर अब क्या हुआ, जैसे कि ये एग्जांपल था अपना कि इस प्लांट को तो सनलाइट हमेशा इस डायरेक्शन में से ही आएगी, सोचो इस प्लांट को सनलाइट हमेशा इस डायरेक्शन में से ही आएगी, साइड से ही आएगी, मतलब देखो अब क्या होना है, यहां पर उसका केस हम लेते हैं। यहां पर ये हो रहा है कि यार ये जो ऑक्सिन होता है ना, आप इसको बोल सकते हो कि ये सनलाइट से डरता है, तो ये जो है हमेशा ये कैसा है, शेडी साइड पर चले जाएगा। हमने जैसे कि भी पढ़ा था कि आपके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड में आपका हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो पानी से दूर भागता है, वैसे ये जो है आप इसको बोल सकते हो कि ये सनलाइट से घबराता है, तो ये शेडी पार्ट पर चले जाएगा। देखो ये वाला पार्ट जो है ये सनलाइट को फेस कर रहा है, और इधर साइड वाला पार्ट है शेडी पार्ट, यहां पर लिखा भी हुआ है। देखो व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप हेल्प्स दैट सेल्स टू ग्रो लॉन्गर व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, मतलब अगर एक साइड से लाइट आ रही है तो ऑक्सिन जो है वो शेडी साइड, मतलब इस शूट की इधर वाली साइड में, शेडी साइड में जो है वो चले जाता है ना। अब देखो अब यहां पर ऑक्सिन बहुत प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन ग्रो करेगा, तो क्या होगा ये वाला, जैसे कि देखो देखो सोचो कि भैया ये जो है अपना इधर साइड वाला पार्ट है जो कि सन को फेस कर रहा है, और ये सन को मतलब ये शेडी पार्ट है जहां पर ऑक्सिन ज्यादा है। अब तुम सोचो कि जब ये ग्रो करेगा, मतलब यहां पर ऑक्सिन ज्यादा है, अब अगर यहां पर ऑक्सिन ज्यादा है तो क्या होगा, यहां पर सेल एलोंगेशन हो रहा होगा, तो सेल एलोंगेशन हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो ये देखो ये सन की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, ये जो है सन की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। मतलब तुम बस इतना समझो कि भाई इधर साइड ऑक्सीजन आ गया है ना, तो इधर का सेल एलोंगेशन होगा, इस वाले पोर्शन का सेल एलोंगेशन होगा, इधर ऑक्सीजन काफी कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो देखो ये वाला पार्ट ग्रो कर रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट ग्रो कर रहा है, तो ये देखो ऐसे इस तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है ये ऐसे तो ग्रो करेगा नहीं, ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये कैसे ग्रो कर रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो ऐसे बेंड हो रहा है ना, ये देखो ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सनलाइट की तरफ मुड़ने का कारण ही यही है कि भाई एक डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, प्रोसेस समझो फिर से एक बार, एक डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, अब ऑक्सिन क्या हुआ, ऑक्सिन ने खुद को शेडी पार्ट पर ट्रांसफर कर लिया, वो शेडी पार्ट पर ट्रांसफर हो गया, तो अब ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल एलोंगेशन के लिए, तो अब वहां पर सेल एलोंगेशन होगा शेडी पार्ट इधर साइड वाले पार्ट में, है ना, तो अब ये पार्ट देखो इलोंगेट हुआ है, तो ये इधर साइड मूव हो गया, राइट। वही यहां पर सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए ऊपर की साइड ग्रो हो रहा था, लेकिन यहां पर इवनली नहीं है, यहां पर इधर साइड पर ज्यादा आ चुका है,
इसलिए देखो ये इस तरीके से एलोंगेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एलोंगेट हो रहा है। डायरेक्शन में एलोंगेट कैसे हो रहा है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि इस साइड वाले पोर्शन में ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहां पर सेल एलोंगेशन हो रहा है, तो ये ग्रो हो रहा है, जिस कारण से ये देखो इधर बेंड हो रहा है। ठीक है, विद सनलाइट एट एन एंगल द ऑक्सीजन मूव्स टू द साइड इन द शेड इंक्लूडिंग द एलोंगेशन ऑफ सेल्स ऑन दैट साइड। तो यहां का एलोंगेशन ज्यादा हो रहा है, इस कारण से ये ज्यादा एलोंगेट कर रहा है तो बेंड हो गया। ओके, तो ये ऑक्सीजन का काम होता है। फिर हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन का सिंपल है ये, अगेन ये भी सेल एलोंगेशन में जो है वो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, लिखा भी हुआ है यहां पर। और इसी के साथ साथ स्टेम की शूट किया, फिर स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो जिब्रेलिन जो भी तुम इसको बोलो, ये जो है ये अगेन सेल एलोंगेशन में फैसिलिटेट यानी कि हेल्प करता है, और स्टेम की ग्रोथ में भी ये काफी हेल्प करता है। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जहां पर रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत है, जैसे कि आपका फ्रूट हो गया, ठीक है, जहां पर रैपिड सेल डिवीजन की, जहां पर ग्रोथ या फिर रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत है, वहां पर साइटोकिनिन जो है वो काफी एक्टिवली काम करता है, क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, ये देखो साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, इट हैज ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जहां पर सेल डिवीजन की ज्यादा जरूरत है ना, वहां पर ये जो आपका साइटोकिनिन है ये प्रेजेंट होता है, और मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। पता नहीं क्या कहना वहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली ग्रोथ प्रमोटर्स की, अब हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स की। तो इसमें सबसे पहले आता है एब्सिसिक एसिड। क्या आता है सबसे पहले, एब्सिसिक एसिड आता है। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, विल्टिंग ऑफ लीव्स। भाई एक पॉइंट के बाद में पत्ते, जो हमारे जो ये पेड़ पौधों के पत्ते हैं, ये जो पत्ते हैं ये ग्रो हो जाते हैं, राइट। अब ग्रो होने के बाद में ये झड़ जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी, झड़ जाएंगे ये। ठीक है, तो ये एब्सिसिक एसिड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई एक लिमिट के बाद में, देखो हर एक चीज एक लिमिट के बाद में ग्रो होना बंद हो जाती है। ठीक है, हर एक चीज ना, वैसे ही यहां पर ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये बोल रहा है कि भाई अब हो गया। ठीक है, ये देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, प्लांट्स एंड नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। मतलब एक पॉइंट पर उनको मतलब ग्रो होना थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा कि भाई हो चुकी है अब ग्रोथ। ठीक है, तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है, जो कि विल्टिंग ऑफ लीव्स में हेल्प करता है, पत्तों का झड़ना। एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ, इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का झड़ना। तो ये क्या है कि भाई पत्ते अब बहुत बड़े हो चुके हैं, पत्ते काफी ग्रो हो चुके हैं, अब वो झड़ गए, विल्टिंग ऑफ लीव्स, अब नए पत्ते आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है इथाइलिन, एक इथाइलिन भी एग्जांपल है। इथाइलिन का भी अगेन वही काम है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और इसमें भी प्रेजेंट ही होता है, पर राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक एग्जांपल। राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब क्या कि भाई अब फ्रूट ग्रो हो चुका है, ठीक है, अब वो पक चुका है तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो यहां पर ये इथाइलिन वगैरह जो है वो काम आते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, यहां पर जो इथाइलिन वगैरह है ये काम आते हैं। तो हमने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन सबके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। एक एक करके फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऑक्सिन जो है सेल एलोंगेशन में काम आता है, और इसी से हमको यह समझ में आता है कि प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ क्यों बेंड करता है, कारण क्या है। कारण यही है कि ऑक्सिन शेडी साइड पर शिफ्ट हो जाता है, जिस कारण से वहां का सेल एलोंगेशन होता है, और वो सेल एलोंगेशन हो रहा है तो वो ऐसे ग्रो कर रहा है, तो जिस कारण से वो बेंड हो गया, ऐसे वो बेंड हो जाता है। ठीक है, ग्रेट। फिर हमने जिब्रेलिन की बात की, तो यहां पर अगेन ये सेल एलोंगेशन को फैसिलिटेट करता है, और साथ ही साथ में स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर हमने बात की साइटोकिनिन की, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहां पर मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है, लाइक फ्रूट। ओके, फिर हमने बात की ग्रोथ इनहिबिटर्स की। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब क्या है कि भाई अब ग्रोथ तुम्हारी हो चुकी है, अब बस अब हो गया। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड का, जो कि विल्टिंग ऑफ लीव्स में हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा है इथाइलिन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट भाई अपना पक चुका है अब, तो अगेन उस वहां पर ये इथाइलिन जो है वो काम आता है, एब्सिशन। ठीक है, ग्रेट, क्लियर है। तो हमने सारे प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ये अगेन आपके सवाल बवाल है कुछ। अब हम लोग जो है एनिमल हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनिमल हार्मोन्स का। तो हम लोग फटाफट से एनिमल हार्मोन्स को पढ़ लेते और फिर अपना चैप्टर जो है वो हो जाएगा समाप्त। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं एनिमल हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन्स की बात कर ली भाई, सारे के सारे ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, अब बात करेंगे एनिमल हार्मोन्स की। तो एनिमल हार्मोन्स में क्या है भाई साहब, हमारे बॉडी के अंदर ना देखो दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब यह है कि भाई उनके पास में एक स्पेशल डक्ट होता है, जैसे कि मान लो
ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और यहां पर लेट अस से कि कुछ पहुंचाना है ना, कोई भी आपका हार्मोन पहुंचाना है, तो यहां पर एक स्पेशल डक्ट प्रेजेंट होता है ना, एक स्पेशल डक्ट प्रेजेंट होता है जो कि ये काम कर सकता है। लेकिन जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि यहां पर कुछ पहुंचाना है, तो यहां से यहां तक कोई ऐसा स्पेशलाइज डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या करते हैं कि भैया ब्लड की मदद से, ब्लड की हेल्प से जो है वो उस हार्मोन को उस टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं। तो फिर क्या होता है कि ब्लड लेके आता है और यहां पर जो भी जिस भी टारगेट साइट पे पहुंचाना है वहां पर जाकर वो हार्मोन को डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। दीज आर प्रोड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड दे आर कैरीड टू स्पेसिफिक ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। है ना, ब्लड हर जगह जाता है भाई, ब्लड कहां नहीं जाता, ब्लड हर जगह जाता है, तो वो ब्लड के हेल्प से वहां तक पहुंचा देते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, वही हम देखने वाले हैं। तो हमने समझ लिया कि अभी हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे अलग अलग ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये हम समझेंगे और देखेंगे कि उनका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, एक छोटा सा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे ऐसा एक ग्लैंड बताना, रिसर्च करना थोड़ी सी, जो कि एक्सोक्राइन में भी हम लोग पढ़ रहे हैं और एंडोक्राइन में भी पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा एक ग्लैंड मुझे जरूर से बताना। ठीक है, वेरी गुड, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, हम अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एक करके समझते हैं सारे ग्लैंड्स का फंक्शन और इनका मतलब क्या ये रिलीज करते हैं। तो जब मैं बात करता हूं, मैंने लिखा है तुम्हारे लिए स्पेशली, जब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये सबका बाप है ना, सबका ऐसे बिल्कुल मास्टर है। ठीक है, क्या रिलीज करता है, क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। तो सीधी सी बात है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कर रहा है तो भाई बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए ये हार्मोन जो है वो हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर है ना, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है ये बाप है, फादर है ना। तो देखो यहां पर ये काफी क्लोज प्रेजेंट है ब्रेन के पास में, तो ये जो है ना बाकी सारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर है, तो ये उनकी फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करता है कि भाई तुम कैसे काम कर रहे हो, सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये उनकी फंक्शनिंग को भी जो है वो रेगुलेट करता है। अब इसका मेन काम क्या है, दोनों ही मेन काम है, पर इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। अब यहां पर हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है या फिर कम सीक्रेट हो जाता है तो दोनों केस में क्या होगा। देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है एक्सेस में, तो उस केस में क्या होने वाला है कि एक कंडीशन होती है गाइगेंटिज्म करके। गाइगेंटिज्म मतलब क्या, बहुत ज्यादा यूज, मतलब ऐसा कि रिक्वायर्ड बॉडी, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि यार ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, सिंपल सी भाषा में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो ये काफी सारे लोगों को ये गाइगेंटिज्म वाली कंडीशन होती है जहां पर उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक एवरेज हाइट होती है, एक एवरेज उससे बहुत ज्यादा, मतलब 7-7.5, मतलब ऑफकोर्स मैं यही कह रहा हूं कि मैं अलग इसमें बात कर रहा हूं कि भाई गाइगेंटिज्म मतलब क्या कि बहुत ज्यादा हाइट होना, बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस में जब ये सीक्रेट हो जाता है तो हम लोग बात करते हैं कि ये गाइगेंटिज्म वाली कंडीशन है। और अगर मैं बात करता हूं डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर ड्वार्फिज्म, मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो उस कंडीशन में होता है ड्वार्फिज्म, मतलब हाइट बहुत छोटी रह जाती है उस केस में। मतलब हम कहते हैं ना कि ग्रोथ ही नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है, क्यों, मतलब ग्रोथ रुक गई ना, ऐसा नहीं कि भाई वो उस इंसान के बेचारे के हाथ में था, नहीं, पर ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, उस केस में ग्रोथ रुक जाती है तो वहां पर क्या होता है कि ड्वार्फिज्म वाली कंडीशन है क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में। एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनलिन सीक्रेट करता है। और तुमने ये सुना भी होगा, एड्रेनलिन रश नाम सुना होगा, जनरली बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एड्रेनलिन मतलब क्या है? देखो, आप मान लो कि आपके पीछे एक कुत्ता पड़ा है, ठीक है, आप बड़ी ही तेजी से भाग रहे हो, आपके सामने एक दीवार है। अब अगर आप नॉर्मल कंडीशन में सामने भागते भागते जाते तो आप वो दीवार को नहीं क्रॉस कर पाते, क्यों? क्योंकि आपके पीछे कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, राइट? आपके पीछे कोई ऐसी डेंजरस या फिर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, या फिर मान लो कि एक क्रिमिनल है, उसके पीछे पुलिस पड़ी होती, तो वो कैसे फटाफट भागता है, है ना? वैसे अगर आपके पीछे एक डॉग पड़ा है, कुत्ता पड़ा है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप उस दीवार को कूद के भाग जाओगे उधर साइड पे, आप एक सेकंड के लिए भी सोचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी आपको इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल अगर आप जाते ना तो आप शायद क्रॉस नहीं कर पाते वो दीवार को, लेकिन अभी आपकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पैनिक और ये सब क्रिएट हो चुका है कि ये जो एड्रेनलिन है इसके चलते आप उस दीवार को क्रॉस करके उधर चले जाओगे। रीजन क्या है? इसका सीक्रेट होना कि भैया इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमने जो है वो खुद को प्रिपेयर कर लिया।
ठीक है। तो ये होता है एड्रेनलिन के केस में। फिर बात करते हैं थायराइड की, एड्रेनल ग्लैंड्स ये रहे, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, थायराइड की, ये रहा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये भी तुमने जनरली सुना होगा अपने आस पड़ोस में, बहुत सारे लोगों को ये कंडीशन होती है, आपने सुना होगा कि थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली थायराइड की प्रॉब्लम होती क्या है वो हम समझते हैं। देखो थायराइड क्या सीक्रेट करता है, थायराइड सीक्रेट करता है थायरोक्सिन, है ना। ये लिख लो एक पेपर पर, बहुत काम आएगा तुम्हारा, एनिमल हॉर्मोन्स का सारा जो पोर्शन है वो इससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब थायरोक्सिन सीक्रेट करता है मतलब क्या, मतलब ये कि थायरोक्सिन सीक्रेट करता है, इसका काम क्या है वो हम देखते हैं। पहला, ठीक है, पहला बैलेंस ग्रोथ, ठीक है, एक बैलेंस ग्रोथ प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो मेटाबॉलिज्म का रेट है उसको कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, अगर आप सिंपल सी भाषा में समझो तो कि आप जो खाना खाते हो, पचाते हो, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो किस रेट से, मतलब किस तरीके से कन्वर्ट होता है। कुछ लोगों के केस में क्या होता है कि उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, मतलब काफी अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है उनका, तो उनकी बॉडी हमेशा बिल्कुल ऐसी चुस्त तंदुरुस्त रहती है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो भी खाते हैं तो वो पचने वचने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो वो डिफरेंट टॉपिक है, पर हम उसमें बात कर रहे थे तो मैंने तुमको समझा दिया, बैलेंस ग्रोथ देता है। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, थायरोक्सिन आपने सुना होगा कि थायराइड की प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में होता क्या, देखो आयोडीन जो होता है ना, हमारी बॉडी के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है ना। आयोडीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, आपने देखा होगा सॉल्ट के अंदर वो प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है ना कि ये थायरोक्सिन सीक्रेट होता जाता है और वहां पर जमा होता जाता है, ठीक है, यहां पर जो है ये जमा होते जाता है, जिसके चलते एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर। आपने देखा होगा जनरली थायरोक्सिन मतलब क्या होता है कि ये सीक्रेट होता जाता है और यहां पर जमा होते जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, यहां पर जमा होते जाता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण, आयोडीन अगर आपको पता है सॉल्ट के तो अंदर अपना प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या हो रहा है कि ये जो बेसिकली थायरोक्सिन है ना, ये सीक्रेट तो हो रहा है पर यहां पर जमा होते जा रहा है, ये जमा होते जा रहा है, यूज ही नहीं हो रहा, डेफिशिएंसी तो यूज ही नहीं हो रहा, तो जमा होते जा रहा है, जिसके चलते एक कंडीशन होती है विच इज कॉल्ड गोइटर। तो यहां पर आपने देखा होगा काफी ऐसा स्वेलिंग सी आ जाती है, तो वो गोइटर है विच हैपेंस बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि ये बेचारा थायरोक्सिन इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो ये जमा होते जा रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पैराथायराइड की, पैराथायराइड जो है वो सीक्रेट करता है पैराथॉर्मोन, क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके डेफिशिएंसी क्या होता है, हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म, ये खैर इतना तुम्हारा सिलेबस में है नहीं पर जान लो क्या जा रहा है, ठीक है, ग्रेट। फिर आता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर ये सीक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तुमने सुना होगा जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि उनके इंसुलिन का समय हो गया, है ना, इंसुलिन का समय हो गया। ये सब क्या है, मैं तुमको समझाता हूं। देखो क्या होता है ना कि ये जो इंसुलिन ग्लूकागॉन है ये हमारी बॉडी के ग्लूकोज या फिर शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। अब जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि इंसुलिन लेना है, इंसुलिन की वो जो इंजेक्शन आते हैं, राइट। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर शुगर लेवल बढ़ गया है, अगर शुगर लेवल में बता देता हूं, अगर SL लिख रहा हूं, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की मदद ली जाती है कि भाई वो रेगुलेट हो जाए, कंट्रोल हो जाए, ठीक है, एक बैलेंस पे आ जाए। वही अगर बॉडी में, मैं यहां लिख देता हूं, शुगर लेवल बढ़ गया, वही अगर बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है तो उस केस में सीक्रेट हो रहा है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, वापस से हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने का, ऐसे शुगर लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागॉन, समझ गया बात को, क्लियर है, आसान है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये अपने सारे के सारे जो है वो एनिमल हॉर्मोन्स हैं, एक बार आप इनके थ्रू जा सकते हो और मेक श्योर कि आप इसके नोट जरूर बनाओ। ये सब वही है जो मैंने तुमको बताया एक एक करके, हमने देखा। तो यहां पर देखो, ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इफ देयर इज डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। मतलब क्या है कि ग्रोथ ही रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो इसकी डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ ही रुक जाती है, ठीक है भाई। किसी किसी केस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, लिमिट से ज्यादा, हद से ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो फिर वो उस केस को गाइगेंटिज्म बोलते हैं, गाइगेंटिज्म उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एक हार्मोन जो यहां पर रह गया था वो था हमारा हमारे ह्यूमंस के, मतलब हमारे मेल और फीमेल के अंदर, एक तो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, वेरी गुड। मतलब ये कहां से सीक्रेट हो रहा है, टेस्टिस से सीक्रेट होता है, यहां पर है देखो टेस्टिस, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन,
क्या क्या है यहाँ पर, इसका काम क्या होता है। अगर आपने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा कि भैया ये जो है ये हमारे मेल और फीमेल, मतलब मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन, तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ठीक है, वो प्यूबर्टी के टाइम पे जो है जब आ रहे होते तो उनको, मतलब उनके आने में, उनको रेगुलेट करने में ये हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो सेक्स हार्मोन इधर ये रहा। द चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स। ठीक है, तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं आपने देखा होगा है ना, तो ये जो सारे सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं ये सारे किसके कारण हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के कारण मेल्स के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, मैंने तुमको बता दिया कि भाई टेस्टोस्टेरोन कहां से आ रहे हैं, मुझे बताना कि ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन और एक और होता है प्रोजेस्टेरोन, ये कहां से आते हैं। ठीक है, मतलब ये हार्मोन हम कहां, हमको कहां पर देखने को मिलता है, आपने पढ़ रखा होगा ये। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन समझ, भाई समझ गए कि सेक्स हार्मोन का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मेल फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि डीपनिंग ऑफ वॉइस, प्यूबिक हेयर है ना, ये सारी जो अलग अलग चीजें हैं है ना, ये सब जो जब हो रही होती है तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सॉरी प्रोजेस्टेरोन फीमेल में। ठीक है, वेरी गुड। जैसे कि डायबिटीज इज अ डिजीज इन विच बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, मतलब क्या है, हमने देखा डायबिटीज मतलब क्या, जो बोलते हैं कि शक्कर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम मतलब क्या कि भाई बहुत शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी इंसुलिन कम सीक्रेट कर रही है, इसके कारण इंसुलिन का अलग से डोज लेना पड़ता है। ठीक है, ग्रेट, सब बहुत ही ईजी बायोलॉजी और बहुत ईजी साइंस है। फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है, सिंपल मतलब यह है, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब जो भी हार्मोन यहां पर रिलीज हो रहा है उसकी टाइमिंग और उसका रेगुलेशन जो है वो सब मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियास व्हिच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सीक्रेशन इज रिड्यूस्ड, मतलब ये है कि यार यहां पर फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से हमारी बॉडी के अंदर ये चीज चल रही होती है, फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से जो है टाइमिंग और अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज कितना होना है वो यहाँ पर रेगुलेट होता है। जैसे कि अब गलत टाइम पे तो कोई हार्मोन रिलीज नहीं होगा ना, जैसे कि मान लो कि मुझे जरूरत ही नहीं एड्रेनलिन की, मैं बैठा हुआ हूं और एड्रेनलिन जो है वो रिलीज हो गया, जरूरत ही नहीं है, और मान लो कि भाई जितनी अमाउंट में, जितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट है उतनी ही मात्रा में वो जो है वो सीक्रेट होता है, ऐसा नहीं कि भाई मात्रा इतनी है और सीक्रेट इतना हो गया। तो यही होता है फीडबैक मैकेनिज्म की कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम, मतलब टाइमिंग और अपना जो क्या कहते हैं अमाउंट, वो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिलीज होता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि समय से पहले हो गया, समय से बाद में हो गया। ठीक है, फिर वो कंडीशन होती है जहां पर वो मतलब वो ऐसा होता है कि फिर वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो जाती है कि उसमें या तो हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, बहुत कम रिलीज हो रहा है, जैसे कि हमने डेफिशिएंसी और एक्सेस में देखा था। ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, एग्जांपल में आप इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एग्जांपल लिखोगे, जब शुगर लेवल बढ़ जाती है तो इंसुलिन काम आता है और जब कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन काम आता है, और ये रेगुलेट कौन कर रहा होता है, पैनक्रियास के सेल्स कर रहे होते हैं जो आपके यहाँ पर हार्मोन्स को रिलीज करने के लगे। दैट बीइंग सेड, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस अमेजिंग चैप्टर, हम लोगों ने सारी चीजें, अच्छा एक चीज मैं तुमको बतानी थी, शायद मैंने बता दी कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, एक शायद एक पोर्शन रह गया था ब्रेन में था शायद, आई गेस तो हाँ ब्रेन में था, उसमें ये जो पॉन्स होते हैं ना, PONS, ठीक है, ये जो पॉन्स होते हैं ये रेस्पिरेशन के रेट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, इसका रिलेशन रेस्पिरेशन से है, ध्यान रखना। विद दैट बीइंग सेड, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस अमेजिंग सेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो चुका है समाप्त अपना, अब हम लोग मिलने वाले हैं अगले अपने चैप्टर्स के साथ में। ठीक है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फाइनली खत्म हो चुका है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, अगर तुमको लेक्चर पसंद आया है, तुम्हारे डिमांड के ऊपर सारी चीजें यहाँ पर चैनल के ऊपर आ रही है, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है तो शेयर का बटन नीचे मिल जाएगा। नए हो चैनल के ऊपर तो भाई साहब आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा कॉन्टेंट इस चैनल के ऊपर आता रहता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना लाल बटन को प्रेस करके। दैट बीइंग सेड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, इन द स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय। एक चीज रह गई, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।